हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। फिलहाल मैं अभी बारिश का मज़ा ले रही हूँ। मैं हूँ अभी अवनी के स्कूल में। एक्चुअली दोपहर को पिक करने आई थी अवनी को, सुबह तो भैया ड्रॉप कर देता है, तो स्कूल पहुँच गई तो जमकर होने लगी बारिश। और लकीली जाते टाइम भाभी बोली कि रेनकोट ले लीजिए, बारिश का टाइम है, तो अच्छा हुआ रख लिया। तो मैं सोची कि कब तक अब वेट करेंगे, तो फटाफट से रेनकोट पहन लेते। ऐसा लग रहा है ना, स्कूल डेज की याद आ रही है। अवनी को पहना ही, फिर मैं भी पहन ली। और सबसे हंसी की बात है ना गाइस, कि अवनी का बैग पहले मैंने अपने बैग पे रखा, फिर रेनकोट पहनी, और फिर आगे हम लोग घर। उसके बाद अवनी तुरंत चेंज करी और मैं भाभी को बोली कि यार चाय पीने का मन कर रहा है, तो वही चाय लेकर जैसे ही बारिश छूटा अवनी को नाव बनाकर पानी में डालना था, तो पानी तो है नहीं। तो सामने में आप देख रहे हैं, हमारे घर के जस्ट सामने में ये नाला है, तो हुआ कि चलो इस पे ही अवनी की मुराद पूरी कर दी जाए। क्या होता है ना, बच्चों का मन रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वही चीज़ है। हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि ऐसे पानी वानी में पेपर का नाव बनाकर फिर हम लोग डालते थे, बड़ा मज़ा आता था, वो भी एक टाइम था। या फिर एक बड़ा सा वो प्लास्टिक का जो भगोना होता है ना, बड़ा वाला, उसमें पानी भर के फिर नाव नाव खेलते थे, ऐसा होता है। तो कैसे ऐसे ही होता है, सबके बचपन की चीज़ें यादें बन के रह जाती है। तो अभी आप भी एंजॉय कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, बारिश छूट गया, तो फिर मैं सोची कि मार्केट निकल जाती हूँ, मुझे कुछ साड़ियाँ लेनी थी। तो मैं बताऊँगी, वैसे मैंने इस बारे में आप लोगों से शेयर भी किया है कि साड़ी वगैरह क्यों ले रही हूँ, और वैसे आगे मैं बताने भी वाली हूँ कि क्यों मैं जा रही हूँ मार्केट साड़ी लेने के लिए। तो लकीली अभी कुछ डिस्काउंट में भी बहुत सारी साड़ियाँ मिल गई, और मैं एक सूट का कपड़ा भी पसंद करी अपने लिए, कि अभी गर्मी का टाइम है, यहाँ पे हूँ तो मैं ज़्यादा कपड़े लेके आई नहीं हूँ, तो अपने लिए एक सूट भी ले लेती हूँ। तो वही मैं देख रही हूँ, और आप मेरा स्किन देख सकते हो कितना ज़्यादा टैन हो चुका है। तो मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो, तो मतलब इतना सुनने के बाद होता है कि चलो आज तो फेशियल करवा ही लिया जाए। तो उसके बाद मैं आई मार्केट से, चेंज करा और फटाफट से पार्लर पहुंच गई फेशियल कराने के लिए। तो ये मैं यहाँ करा रही हूँ ओजोन का फेशियल, ये मुझे सूट करता है, मैंने मेरे शादी के टाइम से ही ओजोन का करा रही हूँ, सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये वाला करा रही हूँ, इसका कॉस्टिंग है 2000। तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, रीज़न दो है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और दूसरा मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था। आप समझ सकते हो, पूरे दिन बाहर रही हूँ तो फ़ोन कहाँ से चार्ज कर पाऊँगी ना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई पार्लर का। मैं सोची थी कि करूँगी प्रॉपर स्टेप वाइज, क्योंकि ये ओजोन का फेशियल बहुत ही अच्छा होता है। और ये मास्क है जो रबर मास्क बोलते हैं, तो वो हटा रही हैं शोभा दीदी। शोभा दीदी बोले कि आज ब्लॉग नहीं बना रही हो, फिर मैं बोली कि नहीं यार आज तो मन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक गई, और फेशियल कराने में तो और थकावट होती है। तो ऐसे ही हो गया, शाम हो गया, मतलब पार्लर में ही मुझे लगभग 8 बज गए। फिर मैं आई घर और ये सब साड़ियाँ ले ली हूँ, देखियो देख लीजिए गाइस, ये चुंदरी प्रिंट में साड़ी है और साथ में ब्लाउज़ है सबका, मतलब पैटर्न एक ही है, कलर अलग अलग है, ऑरेंज ग्रीन में है, ब्लू ग्रीन में है, फिर एक ये येल्लो और मरून में है, फिर एक ऑरेंज और मरून में है। तो ये चार साड़ियाँ ली हूँ, प्राइस भी सही है, 650 में दिया है, कॉटन, प्योर कॉटन की साड़ी है। एक्चुअली मम्मी को ज़्यादा नॉलेज है ना, तो इसलिए मम्मी को लेके गई थी। और साथ में ये लहठी सब ली हूँ देने के लिए, जिन जिन को भी देना है उनके अकॉर्डिंग ये लहठी ली हूँ। जो बिहार के होंगे वो समझ सकते हैं, हम लोग साड़ी वगैरह ऐसे नहीं देते, उसमें लहठी सिंदूर बिंदी लगा कर देते हैं। और फिर शाम को मतलब आने के बाद अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो मैं सोची चलो मैं भी अपना बीड वाला जो रिटर्न वर्क है वो थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। और मीन वाइल भैया आज सब्जी बना रहा है आलू बटर की, मेरे भाई के हाथ का सब्जी गाइस बहुत टेस्टी होता है, जो कुछ भी वो बनाता है बड़ा ही अच्छा लगता है। और भाभी यहाँ पे आलू पराठे की तैयारी कर रही हैं। और गाइस हमारे घर में क्या है ना, सब लोग मिल बांट के करते हैं, ये नहीं कि है सिर्फ भाभी के ऊपर ही लोड है, मम्मी भी जब लगता है वो कुछ बना देती हैं किचन में, भैया को भी लगता है तो बना देती है, तो ऐसे अच्छा लगता है सब लोग मिलजुल के करते हैं। तो भाभी बोलो कुछ,
सिर्फ तेल में ही सब्जी बन रहा है, आप लोग सिर्फ गाइस ये सिर्फ तेल है, पानी नहीं है। अगर ससुराल में रहते तो नहीं कीजिएगा, कहीं तो बेलना तो नहीं, ये पानी है नहीं है। देखिए क्या बन रहा है, और यहाँ बन रहा है आलू पराठे की तैयारी हो चुकी है। रोटी खाते रहिए, खाते रहिए। चलो अपनी इसको कहते हैं ये रहा आज का खाना। तो मेन्यू में है आलू पराठा विद बटर एंड आलू मटर की सब्जी, देखने में तो काफ़ी यमी लग रही है, तेल से भरपूर। तो ऐसा डिश ना बनाएं क्योंकि ये कभी कभार खाने के लिए ठीक है। और मीनवाइल क्या हुआ ना कि जीतू को मम्मी मालिश करी तो मैं उसको सुला दी, तो पता नहीं कब उठ के बैठ के वो सो रहा है इस तरीके से। अब मैं इसको नीचे ही सुलाती हूँ, इसमें ना बेड से गिरने का डर नहीं होता है तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। सो गाइस आज इतना भाग दौड़ रहा पूरे दिन, आपने इंटायर ब्लॉग में देखा ही होगा कि सुबह तो क्या उठने उठने के बाद नाश्ता किया, उसके बाद अपनी को स्कूल लेने गई, वहाँ पर भी बारिश, फिर आई थोड़ा बारिश कम हुआ तो मार्केट चली गई। मैं सोची कि अभी बारिश कम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना मुजफ्फरपुर में पानी बहुत लग जाता है रोड पे, तो फिर मतलब जैसे बारिश वगैरह बढ़ेगा ना पानी एकदम रोड पे नाला वगैरह भर जाता है, तो स्कूटी चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और मम्मी को पीछे बिठाकर चलाना थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ, स्मूथ रोड रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा डर लगता है, अनबैलेंस हो सकता है ना स्कूटी, तो रिस्क क्यों लेना। तो मैं सोची कि चलो अब आज ये थोड़ा काम है वो निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर क्या है कि मार्केट से आई साड़ी वाड़ी लेके फिर वहाँ के पार्लर चली जाती हूँ फेशियल कराना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो रही थी। बहुत लोगों ने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड्स ने भी कॉल करके बोला, यहाँ पे भी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। होता क्या ना गाइस कि एक तो प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी की वजह से कभी पार्लर वगैरह जाना नहीं हो पाया, ध्यान नहीं देती थी अपने ऊपर, और अभी जीतू है तो उसमें ही पूरा दिन लगा रह जाता है, उसको छोड़ती नहीं हूँ थोड़ी देर के लिए भी, तो बिल्कुल अपने ऊपर जो कहते हैं ना ध्यान देना वो नहीं हो पा रहा। लेकिन अब लग रहा है ना कि खुद के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ चेहरा भी ख़राब हो जाएगा, और मतलब ज़रूरी है ध्यान देना, लाइफ ऐसी ख़त्म थोड़ी ना हो रही है, अभी तो सब कुछ चल रहा है ऐसे। तो मैं सोची कि चलो पार्लर भी हो आती हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी सबके बिहार में सबके घर में श्रावणी पूजा शुरू होगा, तो आंटी के यहाँ भी है श्रावणी पूजा, हमारे घर में भी है, तो थोड़ा सा पूजा में जाएंगे तो अच्छा दिखे होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं सोची कि चलो लगे आप वो भी कर लेती हूँ। और शाम को आई पार्लर से फेशियल वगैरह करा कर, अभी देख सकते हैं स्किन कितनी अच्छी हो गई है, ताजुर। तो ये सब है, उसके बाद नहाई हूँ, बाल बाल धोई हूँ, और फिर सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी भैया भाभी लोग, मतलब भैया आज खाना बना रहा है सब्जी और भाभी पराठा बना रही है, और अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पर, ये देखें रात का टाइम है, रुके बैक कर लो फिर, ये देखिए कंटिन्यूस बारिश हो रही है। और एक्चुअली क्या है ना, मैंने शायद लास्ट वाले ब्लॉग में शेयर किया था कि मेरी प्रेगनेंसी जब थी और जीतू का जब बर्थ हुआ था, तो मैंने माना हुआ था कि सब अच्छे से हो जाएगा, तो मैं पांच छठ जो लेडीज़ छठ करती हैं उन पांच लेडीज़ को मैं साड़ी दूंगी जो मेरे जान पहचान में, तो उन्हीं के लिए मैं साड़ी लेने गई थी। अभी अगस्त में मैं चली जाऊँगी, तो फिर कब आना होगा पता नहीं, छठ के टाइम पे मार्केटिंग कर पाऊँगी वो भी पता नहीं, तो मैं सोची कि चलो अभी फ्री हूँ तो ये काम निपटा देती हूँ। तो वही साड़ी और लहठी वाला काम हो गया है। साड़ी मैं पांच किन किन को देना चाहती हूँ वो बताती हूँ। एक मम्मी हो गई मेरी मम्मी, एक मेरी भाभी की मम्मी हो गई दो लोग, एक मेरी बुआ हो गई कलावती फुआ वो करती हैं, फिर मेरी दो चाची सास हो गए, तो टोटल पांच लोग हो गए इस तरीके से, तो उन सबको दे दूँगी, तो सब अपने अकॉर्डिंग ब्लाउज वगैरह बनवा लेंगे। तो कुछ हुआ नहीं, भागते दौड़ते कभी यहाँ स्कूल, कभी साड़ी, कभी पार्लर, घर, ऐसे ही हो गया, खैर कोई नहीं। तो कल संडे है, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे फेशियल कराने के बाद, पानी खूब पीना चाहिए, सेकेंड नंबर है सोना खूब चाहिए, ऐसा है।
तो चलिए गाइस मैं यहीं तक रखती हूँ ब्लॉग को, यहीं पे वाइंड अप कर देती हूँ। आज का ब्लॉग पसंद आए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया तो खूब सारा लाइक करें, कमेंट करें और खूब सारा प्यार दीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।